मुझे तो खुशी इस बात की है कि आप लोग मेरे साथ हैं। राइबा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, तुमने मुझे एहसास दिलाया, वरना मैं आज आप लोगों को फिर खो देता। शेरी, जिंदगी में दुख मुश्किलात तो आती रहती है, उनसे भागना नहीं चाहिए। दादी, अब आप इस घर में हुक्म चलाएं, खूब मौत से रहें, क्योंकि ये आपका अपना घर है। अपना घर नहीं शेरी, ये तो सिर्फ घर है। अपना घर तो वो होता है जहां सारे अपने रिश्ते हों। शेरी, तुम घर गए थे? नहीं। उनकी कोई खैर खबर? लाइबा, मुझे अपना नहीं पता। मैं दादी, दादी अब मैं आपको इस घर से नहीं जाने दूंगा। तेरे पहलू में रिश्ते सभी, जिंदगी ए जिंदगी, तेरे पहलू में खुशियां सभी, जिंदगी सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, जिंदगी ए जिंदगी, तेरे पहलू जिंदगी है जिंदगी। ये हमारे मेहमान हैं, गेस्ट रूम में ठहरेंगे, आप जरा प्लीज देखें, इनको किसी चीज की जरूरत हो। उस वक्त से जब मैं सारे घर को बताऊंगा कि तुम कहां से आई हो, तुम्हारी असलियत क्या है, तो बताइए ना, चुप क्यों है? मैंने कोई जुर्म नहीं किया, ना आज ना कभी। डरना तो तुम्हें चाहिए, तुम्हें। तुम क्या हो? डर गए? तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर एक बार मेरी जुबान खुली तो घर वालों के सामने तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। घर के लिए आपने मुझ पर हाथ उठाया। मेहमान है मेरी ये खैर, इस घर के मेहमान है, तुम्हारे मेहमान है। मेरे मेहमान उधर से नहीं आते। डॉक्टर आमना के पास क्यों? खैरियत तो है? ये तो अब अपनी मुंह बोली बेटी से पूछे, पूछे इससे, इससे कहे सबको हकीकत बता दे। हादिया, ये सब क्या है? सच सुनना चाहेंगे आप तो बता दूं। लाइबा के बाप, मैं
कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप प्लीज हमें रोकिएगा मत। क्यों ना रोको? इसलिए कि मेरा आप लोगों से कोई दुनियादारी का रिश्ता नहीं। देखिए आपके पहले हम पर बहुत एहसान है। बाप का बेटी में एहसान नहीं होता। अगर तुम्हारे अपने बाबा तुम्हें रोकते तो तुम उनका दिल भी तोड़ के इसी तरह चली जाती। मैम फारिस के लिए लाइबा का हाथ मांगना चाहती हूँ। किसको खबर है किसको पता है तेरे पहलू में क्या है तेरे पहलू मामा मुझे अच्छा तो लगता है लेकिन सबके साथ खाने का मजा आता है। तुम लोग हमेशा अकेले ही खाते हो क्योंकि तुम लोगों ने स्कूल जाना होता है। जी मामा लेकिन क्या